हे गाइस, क्या हालचाल हैं आप सभी के। स्वागत है आप सभी का दिल्ली के नए यमुना ब्रिज की अपडेट में। फिलहाल सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं, यही है आपका दिल्ली का नया यमुना ब्रिज। इसको लगभग 20 साल से बनाया जा रहा था और आज ये बनकर तैयार होने ही वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में यहां से भारतीय रेलवे की ट्रेनें चलेंगी और लोहे के पुल में जस्ट पैरेलल ही इसको बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर फिलहाल क्या काम किया जा रहा है, कितना काम हो चुका है और कब तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। मैं चाहूंगा अगर आप चैनल पे नए आए हैं और भारतीय रेलवे से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। तो गाइज, ब्रिज के अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो ट्रैक्स वगैरह है उनको बिछाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स आप देख रहे हैं जो यहाँ पे इरेक्ट किए गए हैं उनके ऊपर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाना है, और दूसरी तरफ सिग्नलिंग सिस्टम वगैरह भी इंस्टॉल भारतीय रेलवे ने कर दी है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो दिल्ली का नया यमुना रेलवे ब्रिज है और इसके पैरेलल में पुराना लोहे का पुल मुस्तैद 150 सालों से खड़ा है जिसके ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं। सामने आप जाती हुई ट्रेन देख रहे हैं तो जरा इसकी रफ्तार पे ना गौर कीजिएगा। हाँ, कुछ ऐसी ही रफ्तार में यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेनें और सुपरफास्ट ट्रेनें भी निकलती हैं, और इसीलिए भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। आप देखेंगे दिल्ली का नया यमुना रेलवे ब्रिज जो कि 20 साल से बन रहा है अब फाइनली तैयार हो चुका है, और यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह देखिए और साथ ही में ब्लास्ट भी आप देख सकते हैं जो कि बिछा दिए गए हैं। यहाँ पे दिल्ली का ये नया यमुना रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और इसके ऊपर से जब ट्रेनें गुजरेंगी ना तो उनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। तो यमुना रेलवे ब्रिज पे भी आप देखेंगे तो ट्रैक्स बिछ चुके हैं। अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। नीचे से आप देखिए दिल्ली के नए यमुना रेलवे ब्रिज को कितनी हाइट पे इसको बनाया गया है। जरा पुराने लोहे के पुल पे गौर कीजिए और इस नए यमुना रेलवे ब्रिज पे गौर कीजिए, डिफरेंस तो है, काफी हाइट पे इसको बनाया गया है। गाइज, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दिल्ली के नए यमुना रेलवे ब्रिज को पुरानी दिल्ली और सादरा के बीच में बनाया जा रहा है। सामने जो ट्रैक आप देख रहे हैं ब्रिज से आगे बढ़ता हुआ, ये आपको पुरानी दिल्ली ओल्ड दिल्ली से कनेक्ट करेगा, और ब्रिज के ऊपर भी देखिए ट्रैक्स वगैरह बिछ गए हैं, गार्ड रेल भी बिछा दी गई है, और साइड में आप देखिए ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना ये वर्कर्स के लिए है। इन केस कभी यहाँ पे वो काम कर रहे हैं ब्रिज पे और ट्रेन आ जाती है तो उनके लिए ये जगह है, वो साइड में खड़े हो सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह बिछाए जा रहे हैं सादरा की साइड से, और यहाँ पे मेन अलाइनमेंट से उसको लिंक किया जा रहा है। पुराने लोहे के पुल की लेंथ 930 मीटर की थी, लेकिन जो दिल्ली का नया यमुना रेलवे ब्रिज बनाया गया है इसकी लेंथ लगभग 1 किलोमीटर की है, और न्यू यमुना रेलवे ब्रिज जो है ना उसको भारतीय रेलवे मिशन रफ्तार के तहत बनवा भी रही है और आज ये बनकर तैयार होने वाला है। फिलहाल आज की इस अपडेट में इतना ही रखता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी न्यू यमुना ब्रिज को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे आने वाली कुछ और नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज़।